जय श्री राम दोस्तों, आपके अपने चैनल राकेश सेठी फिटनेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, एक नई वीडियो नए कंटेंट के साथ आपके सामने आया है। और नया कंटेंट क्या होगा आज के, अधिकतर जो बच्चे हैं इंक्लाइन बेंच रोड यूज़ करते हैं, और यूज़ करने के साथ साथ जो है उन्हें अपने पोस्चर का एक तो नहीं पता होता, और उसकी वजह से जो है अपने शोल्डर को थोड़ा इंजर कर बैठते हो। आपने देखा होगा कई बार के कुछ बच्चों के डेल्ट में प्रॉब्लम रहने लग जाती है, काफ़ी लंबे टाइम तक मस्कुलर पेन होने शुरू हो जाता है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा कि जो इंक्लाइन बेंच रोड है उसको किस डायरेक्शन में लेके जाएं और क्या मेन पोस्चर होगा। तो दोस्तों चलते अपनी वीडियो की तरफ। पहले नंबर पे तो जो है आप अपनी हाइट को जो है एडजस्ट करना जरूर सीखे, क्योंकि हाइट एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर बच्चा लिफ्ट कर रहा है रोड, तो अभी आप देख सकते हैं कितना डिस्टेंस आ रहा है रोड के बीच में और बच्चे की हाइट के बीच में। तो बेटा इसको हाइट ऊपर करो एक तो, ठीक है। चलिए, अब जैसे कि आप देख सकते हैं हाइट चेंज हो चुकी है और रोड की ग्रिप जो है बच्चे के हाथ में आसानी से आ रही है। और रोड जब लिफ्ट करेगा और रखेगा जब अपना सेट कंप्लीट होने के बाद, तब आसानी से होगा। क्योंकि आधा कारण हमारा यहीं से आ जाता है कि कहीं ना कहीं शोल्डर इंजर्ड होने का। अब इसका मेन जो पोस्चर है वो किस तरीके का होगा वो हम बता देते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करो। ज़्यादातर बच्चे जो है अपर चेस्ट पर लेकिन जाते रोड को, लोअर चेस्ट पर लेके आते हैं। एक बार ला के दिखाओ बेटा, जैसे गलत करते हैं ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो गाइज आपने बिल्कुल भी इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं करना है, अपर चेस्ट पे लिखाना है इसको, यहाँ लिखो बेटा, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या रहेगी, रोड जिस लेंथ में आ रही है आपकी अपर चेस्ट पे, इसी लेंथ में इसके सामने रोड आएगी। आपने रोड को जो है, ज़्यादातर बच्चे मैंने कई बार देखा है रोड नीचे लेके आते हैं अपर चेस्ट पे, लेकिन जब रोड लिफ्ट कंप्लीटली जब लेके आते हैं ऊपर तो पीछे लेके जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपने रोड जिस डायरेक्शन में आएगी उसी डायरेक्शन में आपकी रोड ऊपर जाएगी। चलिए बेटा करके दिखाइए, ये पोस्चर रहेगा आपका। इससे बेनिफिट आपके दो चीज होंगी, एक तो अपर चेस्ट आपकी काफी अच्छी होगी और शोल्डर जो है सेफ जोन में रहेगा आपका। शाबाश बेटा, रख दो, ठीक है। तो गाइस जैसा कि करण ने आपको अभी डेमो देके दिखाया कि कहीं ना कहीं किस तरीके से आप अपनी इंक्लाइन बेंच को परफॉर्म कर सकते हैं रोड को और अपने शोल्डर को सेफ जोन में रख सकते हैं, तो ताकि आगे की जो हमारी प्रैक्टिस है वो ख़राब ना हो। और मैं एक बार बात बताना चाहूँगा करण के बारे में, जैसा कि आपने देखा होगा दिल्ली स्टेट में अभी लड़के ने दो बार गोल्ड मार चुका है। अभी जो है लास्ट टाइम 20 तारीख को भी गोल्ड लेके आया लड़का, और 57 kg के अंदर जो है लड़के ने 185 की लिफ्ट मारी थी। बहुत बढ़िया बात है कि कहीं ना कहीं जो है अपने मेरी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा लड़का लेके आया, क्योंकि जिम में 190 की लिफ्ट लेके आ रहा था, 185 आ गई गोल्ड, बहुत बढ़िया बात है। तो अब कहीं ना कहीं जो है हमने इसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करा है बॉडी बिल्डिंग का। रहेगा ये आपका पावर लिफ्टिंग में भी, लेकिन कहीं ना कहीं जो इसका मन है बॉडी बिल्डिंग की तरफ, जैसे कि लास्ट टाइम इसने आज़ाद क्लासिक खेला था, 5th प्लेस आई थी उसके अंदर। अभी क्या है कि अब आने वाले टाइम में जो है 17 तारीख को है ना, 17 तारीख को एक चैंपियनशिप आ रही है ह्यूमन इंडिया, तो उसमें इसको पार्टिसिपेट करने के लिए हम भेजेंगे बॉडी बिल्डिंग के अंदर। और 55 किलो की जो कैटेगरी होगी उसमें ये पार्टिसिपेट करेगा। और अभी हमारे पास सिर्फ टोटल 15 दिन है, तो 15 दिन के अंदर जो है क्या कंडीशन रहती है वो भी हम आपके शेयर करते चलेंगे कि बच्चे की कंडीशन कैसी है कैसी नहीं। और अभी जो है मैंने इसको यही कहा है कि बेटा अभी मेडल के तरफ नहीं सोचना, सिर्फ इसकी जो परफॉर्मेंस है वहाँ की वो ठीक करनी है, कि स्टेज पे बच्चे की पोजिंग सिखानी है, स्टेज कैसे इसको यूज़ करना है और क्या क्या ये गलतियाँ करके आता है उसको वो ठीक करेगा। अगर देखते हैं बाकी मेहनत ये कैसी करता है और वहाँ पे मेडल आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी मैंने जो सोचा है कि मेडल अभी नहीं सोचा है, सिखाने के पर्पज़ से इसको पार्टिसिपेट कराना है हमने। और आगे का जैसे भी इसका होगा, अभी 17 तारीख को ह्यूमन इंडिया वो खिलाना है, और उसमें जैसी भी इसकी फॉर्म होगी वो भी हम आपके शेयर करते चलेंगे। तो गाइज आज का जो हमारा मेन कंटेंट जो था इंक्लाइन बेंच अपर चेस्ट के लिए और शोल्डर इंजरी से बचने के लिए, तो इस तरीके से आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने शेड्यूल के अंदर, और इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म करें ताकि आप सेफ जोन में रह के आगे की एक्सरसाइज खराब ना हो। तो बहुत जल्द मिलते हैं, थैंक यू गाइज़।